दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें पहले तो भाई सियासी खबरें होंगी, चाहे वो सियासत चुनावी राज्य की है चाहे अपने हरियाणा की है। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस पहरे की भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो पराली जलानी बंद कर दो और या फिर हमारा बुलडोजर चलेगा। तो इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे विस्तार से। उससे पहले जानते हैं आज की दिन भर की सुर्खियां क्या रही। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान हुआ, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी हुआ मतदान, 174 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, 3 तारीख को आएंगे नतीजे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा का बयान, सत्ता में फिर होगी वापसी, कांग्रेस और ZPM से टक्कर। तेलंगाना कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, रेयंत रेड्डी देंगे KCR को टक्कर। इसराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ईरान के राष्ट्रपति से बात की, जंग के हालात पर की चर्चा। युद्ध के बीच गाजा में मौत का आंकड़ा पहुंचा 10,000 के पार, 15 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों की। चुनावी राज्यों के अंदर दस्तक साफ सुनाई दे रही है। बात बीजेपी की करेंगे जो सत्ता पर काबिज होने के लिए कभी अपने सिपा सलारों की कुर्सियां बदलती है तो कभी लोक लुभावनी घोषणाओं से जनता को आकर्षित कर रही है। मैं बात कर रहा हूं आपसे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के एक बार फिर मैदान में हैं। वे अपने कार्यक्रम से अब की बार सुर्खियों में भी हैं। और मान लीजिए कि जो जनसंवाद कार्यक्रम चले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, पिछले जनसंवाद जो कार्यक्रम हुए थे कहीं उनके अंदर आपसी तनाव की खबरें भी थी, कहीं कुछ मुख्यमंत्री के बोल को लेकर की भी बातें आती थी, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री जैसे बिल्कुल सधे हुए हैं। आप मान लीजिए कि ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है, कभी वो बस में सवार हो रहे हैं तो कभी बच्चों के लिए बस चलाने की बात कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे थे गांव रतनगढ़। वहां उनमें से एक बच्चे ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी, स्कूल में जाने के लिए बस नहीं है, स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, पैदल जाना पड़ता है। बस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेम नगर के लिए रोडवेज बस चलाने का वादा कर दिया। क्या पैदल जाना पड़ता है जी, बहुत दूर है, 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। कहाँ है स्कूल? प्रेम नगर। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 9। ये जो जेल का मोड़ है वहाँ से बस मिलती है? बस नहीं, पैदल पैदल जाते हैं जी, यहाँ से बहुत दूर। तो समय ज्यादा हो जाता है जी, वहाँ फिर टीचर बोलते हैं इतने लेट क्यों है। कितने बच्चे हैं यहाँ से जाने वाले? 15-20 सारे इकट्ठे जाते हैं, सारे इकट्ठे जाते हैं जो प्रेमनगर जाते हैं। नहीं, 20 हैं जो पैदल जाने आ रहे हैं। नहीं नहीं, पैदल नहीं, बस में भी जाते हैं। सारे मिला के कितने जाते हैं? वो तो 50-60 है जी। 50-60 बच्चे हैं। एक ही टाइम पर जाते हैं? कितने बजे? वो 7:30 का टाइम है जी स्कूल का। 7 बजे जाते हैं यहाँ से, आधे घंटे में। समझ गया, साथ इकट्ठे जाते हैं ना, ऐसा नहीं कोई 7 बजे कोई 9 बजे अलग अलग फोन का टाइम तो नहीं है ना, टाइम एक ही है। यहाँ का टीओ साहब, टीओ यहाँ के कितने बच्चे होते होंगे जो प्रेम में जाते होंगे स्कूल में? सब 50-60 बच्चे हैं। 50-60 बच्चे हैं ना जी। एक ही टाइम पर जाते हैं, एक ही टाइम पर आते हैं जी। सर जी, ये जो हमारी नई परिवहन की जो योजना बनी है, छात्रवृत्ति परिवहन योजना। हाँ, छात्रवृत्ति नहीं है, छात्र सुरक्षा, छात्र सुरक्षा परिवहन योजना। तो उसमें उस योजना के नोडल कौन है? आप हैं। तो इस गांव की व्यवस्था क्या की है? देखा नहीं है, देख के रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो कि जहाँ 50 बच्चे होंगे वहाँ से बस जाएगी, बस ही छोड़ के जाएगी, वापस जाके अपना टूर पक करे, जो भी कुछ करना, यहाँ से सीधा प्रेमनगर स्कूल में जाएगी, वहाँ से अपना रूट पर चले, और स्कूल छुट्टी होते ही वहाँ बस पहुँचेगी, यहाँ छोड़ेगी, फिर टूर रूट पर चले। ये रोड से हमारा समझौता हो गया और वादा किया ही नहीं, 24 घंटे में पूरा भी हो गया, यानी कि बस चल गई। सोमवार की सुबह रतनगढ़ में जब रोडवेज की बस पहुंची और स्कूली बच्चों को लेकर प्रेमनगर के उनके स्कूल गई, तो फिर बच्चों ने हो या बच्चों के माँ बाप थे यानी कि गार्जियन थे, सभी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद के नारे लगा दिए और ये कहते हुए स्कूल चले कि हम अब बस से स्कूल जाया करेंगे, और बस रवाना हो गई। और कहते हैं ना कि जब खासकर बच्चों की जो उम्मीद होती है, बच्चों की जो कामना होती है, बड़ी छोटी होती हैं।
अगर बच्चा चंदा मामा से मान सकता है जो दिखाई भी नहीं दे रहा, जो नीचे आ नहीं सकता, अगर माँ परात के अंदर एक तस्वीर उकेर दे चंदा की, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को बस दे दी जो स्कूल जाने के लिए परेशान थे। पहले दिन गांव के 65 छात्र बस में सवार होकर स्कूल पहुँचे, तो मुख्यमंत्री ने बच्चों की समस्या का समाधान कर दिया। इसके साथ ही कई जगह अधिकारियों की नींद भी उड़ाई। दो अलग अलग विभाग के अधिकारियों को भरी सभा में सस्पेंड कर दिया। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री का वह वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि SHO का नाम क्या है, और जब SHO के बारे में बताया गया कि उनकी शिकायत अकेले एक ही परिवादी नहीं कर रहा, शिकायतें और भी हैं, तुरंत SP से कहा कि पहले तो इस SHO को सस्पेंड करो। अधिकारियों को बेकायदगी पर सस्पेंड तो किया, लेकिन साथ साथ आला अधिकारियों से ये भी कह दिया कि अगर इनकी रिपोर्ट सही आ जाए तो फिर इनका सस्पेंशन वापस ले लेना। यानी कि राजा का फर्ज निभा दिया जब उनको सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद में एक सहोदर का फर्ज निभा दिया जब ये कह दिया कि अगर इनकी रिपोर्ट ठीक हो जाए तो फिर इनको बहाल भी कर देना। वहीं दूसरी तरफ गन्ना किसानों पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिवाली का तोहफा बरसाया। गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही गन्ने का मूल्य जो अगेती किस्म के लिए है वो 372 से बढ़कर 386 हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि अगले साल 14 रुपये इसमें और बढ़ेंगे तो ये 400 रुपये हो जाएगा। अगर मान लें कि ये किसान के लिए है, मजदूर के लिए, इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ये वोट के लिए भी है, इनसे वोटों की खेती भी होगी। और जब किसान खुश होगा, मजदूर खुश होगा, तो जो नाराज़गी चली आ रही है बहुत दिन से, तो शायद मान लें कि मनोहर लाल का एक दाव है कि वापस वो मतदाता जो नाराज़ हो रहे थे वो वापस उनके पास लौट आएँ। ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर इस प्रकार के फैसले हमेशा लिए जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गन्ने की दरों में जो उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, इससे मान लिया जाए कि किसान प्रोत्साहित होगा और कुछ गन्ने की फसल की तरफ और भी ध्यान ज़्यादा जाएगा, यानी गन्ने की बुवाई ज़्यादा होगी। तो ये तो बात थी मुख्यमंत्री जी की। अब भाजपा के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आजकल अपने अलग अंदाज में हैं। नए नए अध्यक्ष बने हैं, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र से हिसार जा रहे थे अध्यक्ष साहब, तो उन्होंने अपना एक पुराना कार्यकर्ता है उनके दुकान पर पहुंच गए और वहां जा कर के बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने अपने हाथ से चाय बनाई और चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाई। वैसे जो चाय वाला अंदाज है अध्यक्ष जी का, यही अंदाज था 2014 से पहले जब चाय वाला प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी, तो चाय के स्टॉल लगा करते थे जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के। और मान लें कि वो जो चाय वाले स्टॉल थे वो कहीं कामयाब हुई थी पॉलिसी, और एक बार क्या नायब सिंह सैनी ने वो चाय वाला अंदाज दिखा करके यही दिखाने की कोशिश की है कि समय भले ही बदल गया हो आज भी वही है। खैर, मैंने कहा ना ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर ये सब चलता है। जनता को लुभाने के लिए राजनेताओं के ये दाव पेच होते हैं, ये सियासी होते हैं, और यही सियासत के रंग हैं। बहरहाल बीजेपी तो जीत की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, इलाहाबाद के विधायक हैं, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। 30 जनवरी 2024 तक का टाइम मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उनका जो एफिडेविट था एजुकेशन को लेकर के, यानी कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, जिसको चुनौती दी वकील साहब ने, जितेंद्र जी ने, उस पर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 जनवरी 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर स्पष्ट करे कि अभय चौटाला की जो 10वीं वाली डिग्री ठीक है, और या फिर जो उन्होंने डिग्री दूसरी दी बोधगया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने की। अब ये दोनों बातें जब सामने आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि अभय सिंह चौटाला की योग्यता सही रहेगी और या फिर उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो ये सब बातें थी हरियाणा की सियासत की। अब आपसे बात करते हैं उन 5 राज्यों की सियासत की जहाँ चुनाव चल रहे थे, क्योंकि चुनाव चल रहे थे इसलिए कह रहा हूँ कि मिजोरम में आज चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी पहले चरण का मतदान आज हो गया। दोनों चुनावी राज्यों के अंदर नक्सल जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हुई, और इसके बावजूद चुनाव ठीक ठाक हो गया। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की थी और 40 विधानसभा सीटें मिजोरम की थी जिन पर मतदान हो गया। अब इन सभी का जो परिणाम है इकट्ठा आना है 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर जिसे सेमीफाइनल माना जा रहा है भारत की चुनावी राजनीति का। तो अब आपको बता दें एक खबर जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रदूषण इस समय बहुत परेशान कर रहा है, और पॉल्यूशन को लेकर के माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं पराली जिम्मेदार है, पराली का जलना। और आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य पराली जहाँ जल रही है
या तो इसको तुरंत बंद करा दें और नहीं तो फिर हमारा बुलडोजर चलेगा। प्रदूषण का संकट पूरे देश में गहरा रहा है, सांसों पर पहरा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मानने और समझने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने सख्ती बरती है। हालांकि प्रदूषण की एक वजह पटाखे भी हैं। मैंने आपको बताया ये तो किसानों की बात थी, दरअसल पटाखे को बैन करने के मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वे दिल्ली भर के लिए नहीं थे, बल्कि पटाखे को बैन करने का आदेश पूरे देश के लिए था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूरी तरह से रोक का मसला स्थानीय सरकारों पर छोड़ा था, लेकिन अस्पताल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे ना जलाने की समय सीमा तय करने के लिए भी कहा था। NCR में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली NCR वाले नियम लागू होंगे, यानी कि पटाखों पर रोक रहेगी। तो इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और भी की कि जब दिल्ली NCR समेत देश भर के दूसरे शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, पंजाब में पराली जलाने और देश के बाकी हिस्सों में कई दूसरी वजह से प्रदूषण के स्तर में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये काम सिर्फ अदालत का नहीं है कि हम प्रदूषण को रोकें, ये सबकी जिम्मेदारी है और सबको सामूहिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। खासकर सरकारों की सबसे ज़्यादा जवाबदेही बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र कहा कि सरकारें जहाँ पराली जल रही है, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो, पराली जलाना कैसे रोकते हैं इसके बारे में वो नहीं जानती, लेकिन अगर सरकारें पराली जलाना नहीं रोक पाएंगी तो फिर हमें आगाना पड़ेगा। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हमेशा सियासी लड़ाई लड़ते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दूसरी प्रदेश की सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने के लिए सख्त लहजे में कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा आदेश एक राज्य या दिल्ली या NCR तक सीमित नहीं है, हमारे लिए पूरा देश बराबर है और जिन भी राज्यों में प्रदूषण है वहाँ की सरकारें, वहाँ का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, ये उसको ठीक करें। तो ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जता दी, वहीं ज़रूरी है कि हर आदमी इस फर्ज को समझे। और इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है, हमने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप किसी भी प्रकार के सांस या दिल की बीमारी से पीड़ित हैं तो कृपया जब तक कि प्रदूषण का स्तर ठीक ना हो अपने घर रहें, बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी घर से निकलना भी हो तो कोशिश करें कि सुबह और शाम के समय निकलने से बचें, और जब निकलें तो मास्क लगा कर जाएं। ज़रूरी है कि सांसें अगर चलेंगी, जीवन अगर चलेगा तो सब कुछ चलेगा। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।